अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो माशाल्लाह से नमाज हो गई जोहर की, एंड अभी आगे क्या होने वाला है वह आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज है थर्ड रोज़ा गाइस माशाल्लाह से, तो चलिए आगे क्या होने वाला है वो आप लोग को आगे आगे मालूम होता। ओके, वगैरह सब हो गई तो मालूम ना, रमज़ान में अपना नाश्ता वास्ता तो नहीं रहता। पानी डालेंगे अपन, मैं से चिकन निकाल ली और इसको अच्छे से वॉश करूँगी, इसके बनाएंगे चिकन पकोड़े या क्रिस्पी चिकन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, आज क्या क्या बनने वाले हैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ओके, बनाने वाली हूँ प्याज की पकौड़ी भी। चिकन को तो मैं वॉश करके रख दी, ठीक है। तो चलिए ऑनियन को अच्छे से कट करेंगे अपन। इसमें मैं कॉर्न डालूंगी गाइस, मस्त एकदम क्रिस्पी बनाएंगे अपन। तो इसमें ना चिकन के छोटे लेग पीस भी है गाइस, तो इसको अच्छे से अपन मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो एकदम जबरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल में बने चिकन लेग पीस, ठीक है। तो बन रहे और मौसम दिखाती हूँ मैं गाइस आप लोगों। तो ये है फ्रेंच फ्राइज और ये है समोसे, तो थर्ड डिश फोर्थ, ठीक है। देख सकते गाइस मस्त वेज समोसे है, बाकी ये सब चिकन के है, एंड ये वेज है जो मेरे को बहुत पसंद, समोसे स्पेशली केचप के साथ वाव जबरदस्त रहते। रोज़ा है, नियत ख़राब नहीं करना है। तो वैसा भी अपन लेडीज़ पकाते रहते ना गाइस, तो क्या होता मालूम, दिल भर जाता मालूम, खाना दिल इच नहीं बोलता। जब दस्तरखान पे बैठते ना एक दो से, बस पेट भर जाता मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह बरकत देते हर लेडीज़ को किचन में स्पेशली, तो ऐसा रहता। भी बना दी गाइस मैं, बिकॉज ना ये मेरी फेवरेट है, तो इसमें मस्त चाट पाउडर डाल के और इसमें ना मैं नींबू डाल के खाती हूँ, बिकॉज मेरे को सर्दी है, दो तीन दिन से सर्दी कमीच नहीं हो रही, उसलिए ना हम लोग फ्रूट्स खा रहे नहीं गाइस। फ्रूट्स खाते क्या हो रहा बोलो, फुल सर्दी हो जा रही। कल मौस खाए थे, फुल हो गई सर्दी हम लोगों को, तो इसलिए ना शोएब बोले दो तीन दिन अपन फ्रूट्स नहीं खाएंगे, ऐसे एकदम गरम गरम चीज़ें खाएंगे तो सर्दी कम होती। तो गाइस पूरी इफ्तारी माशाल्लाह से बन गई, तो मैं बाहर आई थी, अभी टाइम है अभी 15 मिनट 10 मिनट है शायद अभी, तो मैं आई बाहर बिल्ली को दूध डालने के वास्ते। बना दी गाइस अंडे वाला, तो मस्त केचप डाल के मिक्स कर दिया अपन, और ना इसमें मैं टमाटर नहीं डालती, केचप डालती। तो ये लास्ट में बनाना, तो गरम गरम खा सकते गाइस, एकदम घर के चीज़ा है, पूरे हेल्दी चीज़ा मस्त। बस एक फ्रूट्स मिस हो रहे। तीसरा रोज़ा माशाल्लाह से, ये है प्याज की पकौड़ी, समोसे, पास्ता अंडे वाला, चिकन फ्राई एकदम मस्त वाला,
और चना चाट हमारा फेवरेट, एंड ये जूस और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज। तो ऐसा है, ठंडा पानी, गर्म पानी है, ठंडा पानी तो नहीं है, माशाल्लाह ऐसी है हमारी इफ्तारी आज की स्पेशल। ये खजूर भी है माशाल्लाह। सायरन होने को 3 मिनट है शायद, दुआ करेंगे। तो गाइस हमारा रोज़ा हो गया माशाल्लाह से, ये रोज़े के बाद की चाय है अल्हम्दुलिल्लाह। देख सकते मस्त हवा चल रही गाइस, ठंडी ठंडी, रोज़ा खुले बाद में ठंडी हवा चल रही थोड़ी देर। चलो चाय पियेंगे फिर मिलती हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग चाय पिए और इनो कर रहे कुछ डिसाइड। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोजे कहाँ चले गए मालूम ही नहीं हुआ। यस, मतलब अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम से ना ठंडे रोजे थे, बहुत अच्छा था। ठंडे इतने थे हमारा को सर्दी हो गई। अब क्या बोल सकते, अब एकदम अपन अपना इंटेक बदल गया ना, खाने पीने का तरीका, उसके वजह से सर्दियाँ हो जाते हैं, हो जाते थोड़ा आदत हो जाता। अभी तो फिलहाल यहाँ पे अपन कर रहे बहुत इंपॉर्टेंट काम, बिकॉज रमज़ान आने वाली है, ईद, तो उसके वजह से जो है ना हमने सोचे हमारे घर को जो है ना कर्टन शो कराएंगे, तो कुछ कर्टन हमने जो है ना सेलेक्ट जहाँ पे करे उन्होंने बोले आप डिज़ाइन करके ला लो, फिर हमने जो है ना उसके हिसाब से स्टिच कर देंगे, टेलर मेड कर्टन बेसिकली। तो ये कुछ देखा मैं, हमने सुबह से कल से देख रहे हैं एक्चुअली चीज़ा। वाओ, अच्छा है ना, अपने मस्त है, मैच हो जाता मस्त है। तो ऐसा कुछ कराएंगे, बल्कि बोलो मैं इसके जो भी है फोटोज ले रहा हूँ, ये सेंटर टेबल है, नीचे गालिंग भी अपना हो जाता, ये सेम टू सेम कलर से अपने सोफे के कलर का। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कराएंगे, और एक हुआ तो यहाँ बीच में भी एक बड़ा सा एक सेंटर वाला कराएंगे, ये अच्छा रहता ना सेंटर में एक बड़ा, नक्को इसको करा देंगे खाली यहाँ डोर, इसको नहीं बोले तो इसको ऐसा नॉर्मल अच्छा दिखा, ये अच्छा है नहीं, ये डिजाइन एक अच्छा दिखा, मस्त है, अपने सोफे के मैच में हो रहा, बिल्कुल मैच हो जाता है ये अपन बोले तो ना बना लेते, ये वाला डिजाइन मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है इसमें, देखो ग्रीन में गोल्डन ही अच्छा रहता, मैं बोला नहीं, अरे साइड का साइड में ऐसा वो कर दे सकते, पूरे सेम टू सेम कलर से, ये भी देखो बहुत प्यारा है, ये देखो व्हाइट भी अच्छा दिख रहा है, गोल्डन और व्हाइट, ये व्हाइट देखो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लखनऊ वर्क है, व्हाइट जल्दी खराब होता है, गोल्डन लेंगे, और एक भी है देखो ये देखो ये वाला, सो हम ना कल से इसके पीछे पड़े हुए हैं हम लोग, मतलब रमजान से पहले पहले कर देंगे, बल्कि देखो गोल्डन भी है, व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, ये भी अच्छा ना, हाँ एकदम शानदार कलर है। सो ऐसा कुछ करेंगे बल्कि सोच रहे, रमजान में क्या होता मालूम, मैक्सिमम टाइम अपन रोजे में रहते, इफ्तार सहर इसमें पूरा टाइम चले आता, फिर इबादत, फिर नमाजा, उसमें जो भी टाइम मिल रहा था हम लोग को वो टाइम कुछ हम यूज कर रहे, बिकॉज ऐसा भी नहीं है रमजान में बीच में चलो छुट्टी मिल जाती है एक आध दिन, उसके अंदर अपने काम कर लेंगे, फिर रोजे रखेंगे, ऐसा नहीं रहता, कंटिन्यू रोजे रहते हैं, फिर ईद रहती है, आप लोगों को तो मालूम ही है। तो ये रोज़ों के बीच में जब अपन टाइम भी निकालना, शाम के टाइम जैसा भी है टाइम निकाल के जाके जो है, फिर तरावियों से पहले काम खत्म करना, फिर देखना वही सेटने वाला हम लोगों को। 3 दिन हो गए अभी तक, हम लोग 3 दिन पहले गए थे इनके पास कटन का, 3 दिन से जाने लगे, करना तो पूरा एकदम सुस्त पुस्त है, सर्दी हो गई गाइस मेरे को, और इफ्तार करे बाद में एकदम ढीले डाले, चाय भी पीते ढीले, मैं बोल रहा हूँ कितने की टाइम से यार चलो एक्टिव हो जाओ, चलो बोले तो मेरे को सब बर्दाश्त होती लेकिन सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, आवाज़ भी चेंज दिख रही है ना, मतलब गलों में खरखर ऐसा हो गया और सर्दी सर में दर्द। माशाल्लाह से हमारा पूरा 3rd रोज़ा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 रोज़े कहाँ गए मालूम बीच नहीं हुआ गाइस। आज एक बड़ी चीज़ भी हो गई, आज हमारे पानी वाले भी नहीं आए, जो बॉटल्स ला के देते ना तो शोएब को लेके आना पड़ा अब भी बॉटल्स पूरा रोज़ों में उठा के, लोग भी रोज़े लग रहे शायद, उसके पानी वाले कचरे वाले ना सब जने टाइम लगा रहे गाइस आने के बाद। तो ये था गाइस आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देना अल्लाह हाफिज़, ज़रूर मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। तो गाइस जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या होता मालूम और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना दिल बोलता है, टिल देन बाय।